करनाल के उत्तम नगर में मैके में आई हुई पत्नी पर उसके पति ने चाकू से किया हमला, गले में चाकू मारकर बुरी तरह से किया घायल। लगभग 2 साल पहले हुई थी शादी। घरेलू कलह के चलते दिए हमले की घटना को अंजाम। करनाल के उत्तम नगर में मैके में आई हुई महिला पर उसके पति ने चाकू से किया हमला, घायल अवस्था में पत्नी को निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घरेलू कलह के चलते चल रहा था दोनों में आपसी विवाद, जिसको लेकर कल रात को पति ने सारी हदें पार कर दी और अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया, चाकू से उसका गला काटा। उसके बाद लड़की को निजी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। क्या क्या घटना हुई आपके साथ? बस मेरे हस्बैंड की लड़ाई चल रही थी, उन्होंने मारना चाहा, मार दिया। क्या मारा आपको? चाकू से गला काट दिया है मेरा। गला काटा है? किस बात पे झगड़ा हुआ था कोई पता? ये तो मैं अपने घर लड़ाई में आई हुई थी, वो घर पे आया था रात। आपके घर पे ही मार गए? आप मेरे घर पे आके मार के गए। कहाँ रहते हैं आप? करनाल हुसगढ़ रोड। आपके माँ बाप यहीं पर हैं? और शादी कहाँ पर हो रही? बरसात। इससे पहले भी कोई झगड़ा था? झगड़ा हुआ था, झगड़ा करता था। लेडीज का मामला है, चाकू मारा पति ने पत्नी को, क्या मामला है, उसकी हालत क्या है? सर, अंजू नाम की एक पेशेंट है जो हमारे पास सुबह सुबह आई थी। ये कुछ दिनों से अपनी माताजी के घर रह रही थी। जो भी आपस में तनाव होगा हस्बैंड वाइफ का, कल इनके घर इसका हस्बैंड और उसका कोई साथी पहुंचा और रूटीन की बातें होते हुए इसको फुसला कर ये ऊपर छत पे ले गए और छत पे एक नकली चाकू से इसके गले पे वार किया, जो कि 12 सेंटीमीटर के आसपास है। और उसने उसके बाद चिल्लाना शुरू कर दिया, 2-3 लेडीज इकट्ठी हो गई और उसके बाद वो वहाँ से भाग गए। क्या पेशेंट का क्या हाल? पेशेंट आई थी तो सांस लेने में काफ़ी गंभीरता थी, उसके स्टिचेस वगैरह करे हैं और अंदर जो हवा काफ़ी भर गई थी, अभी इंजेक्शनों से काफ़ी हद तक ठीक है। तो अभी गंभीर जरूर है बट पहले से स्थिर है। आईसीयू में है। तो अब कब तक इसका ठीक ठाक हो जाएगी? देखिए, अगर हवा जो अंदर चली जाती है, अगर वो इसको एम्फाइजिमा कहते हैं, अगर वो ज़्यादा ना बढ़ी तो स्थिर रहेगी, नहीं तो वेंटिलेटर लगने की भी संभावना हो सकती है अगर सांस लेने में दिक्कत आई तो। रामचंद्र मेमोरियल से सूचना मिली थी कि अंजू वाइफ ऑफ सुनील उत्तम नगर की रहने वाली है, कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब हमने यहाँ का पता किया तो वो एडमिट है और उनको गले में चक्कू लगाया हुआ है। उसकी करीब दो साल पहले सुनील वासी बरसत से शादी हुई थी। कुछ दिन पहले भी इनका आपस में तकरार हुआ था और पंचायत ने समझौता करा दिया था और ये लड़की अपने ससुराल चली गई थी। उसके बाद ये 28 तारीख को फिर अपने घर आ गई और कल रात को इसका पति और एक उसका कोई दोस्त नंदू नाम का लड़का रात को घर आए और घर पर आराम से खाना खुना खाया और लेट गए। रात को करीब 3 बजे इसके पति सुनील ने लड़की को अपने में बातों में लगा के ऊपर छत पर ले गया और छत पर लेकर लड़की ने बताया कि दूसरा लड़का जो नंदू था उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और इसने मेरे गर्दन में चक्कू से वार किया। जब मैंने शोर किया तो मेरी माँ मेरी आवाज़ सुनकर आई और भी लोग जाग उठे तो वह मौके से फरार हो गए। तो सर, अभी कंडीशन सीरियस बताई जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा? नहीं, अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं खतरे से बाहर है, ऐसी कोई बात नहीं। क्या कार्रवाई? अभी जान लिए, FIR लॉन्च करेंगे और जल्दी गिरफ्तार करेंगे।